हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक आयुर्वेदिक टेबलेट सिरप और ड्रॉप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हिमालय कंपनी के LE52 सिरप टेबलेट और ड्रॉप के बारे में। तो इन जो सिरप है, टेबलेट है, ड्रॉप है, इसका क्या यूज है और किस एज वर्ग के लोगों में इस टेबलेट का, इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, तो सारी चर्चाएं इस वीडियो में होंगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि LE52 जो हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है, ये किन दिक्कतों में, क्या समस्याएं रहती हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस टेबलेट का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर बढ़ गया है, लीवर सेल्स डैमेज हो गई हैं, तो उनको ये रिपेयर करता है। या जो लोग जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उन लोगों को ये सिरप, ये टेबलेट जो है जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि ये आपके जो डैमेज हो चुकी सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, उनको सही करता है, ठीक करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों में खून की कमी हो गई है, खून नहीं बन रहा है शरीर में, बहुत दुबले पतले कमजोर होते जा रहे हैं और खाना खाने का मन नहीं होता है कि जैसे ही खाने को देखते हैं उसके बाद वैसे ही भूख चली जाती है, तो इस प्रकार की अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें इस सिरप का, इस टेबलेट का काफी अच्छा रोल रहता है, ये बहुत अच्छा इसका उपयोग रहता है। तो हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम रहती है वो लोग, जिन लोगों को रहती है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। पूर्णतः आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। दूसरा है कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए सिरप ये सुटेबल नहीं रहती है, क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है, तो हो सकता है कि इनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाए, तो वो लोग जो है टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेबलेट और सिरप दोनों का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों को लीवर से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं और साथ ही जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डोज की क्या मात्रा रहती है, किस प्रकार से इसका सेवन किया जा सकता है। तो जो बच्चों में इसको 5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जाता है और वयस्कों में इसको 10 ml सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से इसको, इस सिरप को दिया जाता है। इसी प्रकार से टेबलेट जो है बच्चों में एक एक टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं और ज्यादा ही छोटे बच्चे हैं तो उनमें सिरप दिया जाता है और 2 साल तक के बच्चों में, जो 5-6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें इस ड्रॉप का इस्तेमाल कराया जाता है, इस ड्रॉप को प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग। तो उस तरीके से जिस प्रकार की एज ग्रुप है उस प्रकार से इसका सेवन किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की। तो LE52 सिरप जो है ये 200 ml का पैक है जिसकी कीमत जो रहती है 170, मतलब 170 रुपए में आपको ये आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, चाहे तो इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इससे छोटा पैक भी आता है 100 ml का जिसकी कीमत जो रहती है 110 रुपए, 110 रुपए में 100 ml का पैक है और 200 का जो है 170 रुपए में, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। टेबलेट की बात करें तो ये 150 रुपए में 130 रुपए डिब्बी की कीमत है जिसमें 100 tablets हैं, तो 130 रुपए में आपको 100 tablets की ये डिब्बी आप आसानी से आपको नजदीकी मेडिकल से प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इस प्रकार की दिक्कत है, डाइजेशन संबंधित है, दिक्कत रहती है, खाना नहीं हजम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लीवर बड़ा हुआ है, लीवर में सूजन हो गई है, और तो इस प्रकार की दिक्कतें अगर हो गई हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में जाकर के जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।